नाम लिखिए। सुनाइए सुना मैम इधर मैम ये 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 सना जी इधर एक सेकंड रुक जाए ना। सना जी यहाँ पर सामने चलो चलो तो पीछे ना तू वो हाथ में रुपये तो बाय देखिए बाय जाओ क्या हालत है यहाँ पे रुक नया जी इधर आए नया जी आज मैं पहले में नया जी आप एक बार मास्क निकालो थोड़ा आगे नया जी प्लीज नया जी नया जी यहाँ पे नया जी आशीष को फोटो चाहिए आपके साथ नया जी यहाँ पे सामने जा आशीष जा आशीष जा राइट साइड नया जी नेहा जी बोलना मजिला नेहा जी जालो कैसे हो करिश्मा जी आ जाओ आप मिल जाओ ना मैम हार के हम चाहिए मैम ये आशीष को अच्छा फोटो दे दूंगा मैम फोटो चाहिए मैम आपका फोटो कभी नहीं छोड़ता मैडम संध्या का ही बेटा उद्या को अच्छा लड़का है वो हाँ हाँ अच्छा ही है सभी अच्छे हैं हम भी अच्छे हैं ज़्यादा मत लेना मैडम सर ज़्यादा मत लेना मैडम कितना होगा इधर रुकिए 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 आरती जी आई वीकेंड का बार देख रहे हो क्या नहीं है मैडम है नहीं तो नहीं देखेंगे क्यों नहीं सर थोड़ा सा थैंक यू क्या देखिए सर सर लिखिए मैम ये सर सेंटर मैम सेंटर स्ट्रेट स्ट्रेट थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपका कोई अपना भी आगे वाले
अभी आएगी जून में, हमने अडेप्टेशन बनाई है पौधा की, पौधा देखिए बहुत बड़ा इंटरनेशनल शो है उसकी, इंडियन अडेप्टेशन बनती है मिश्रा और पौधे। जानवी जी एक बार पीछे भी बात नहीं कर ले सूरज भाई। दादा रुको ना, ये अपनी इधर आ गए ला ले क्या नीरम भाई आ गए। हां ऐसे दो थैंक यू पीछे ना
थोड़ा मास्क मास्क तमन जी मैम सेंटर आप लोग का मास्क करना है। यस 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 तमन यहाँ से स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा आगे बस तमन यहाँ से स्टार्ट कीजिए राइट से मैम तमन्ना जी यहाँ पे सामने मैम सेंटर सामने सामने तमन्ना यो यो मैम सेंटर सेंटर तमन्ना मैम यो तमन्ना जी तमन्ना या तमन्ना या तमन्ना जी इधर देखिए मैम तमन्ना जी तमन्ना जी ऊपर देखिए तमन्ना जी फोकस बोलो तमन्ना जी रुकिए ना वहाँ पे ही रुकिए ना बहुत अच्छा आ रहा है वहाँ पे चाचा तमन्ना जी उधर ही रुकिए ना अच्छा रहो हम एक साथ में करते ना बस फैमिली फोटो करते वेट वेट थोड़ा आगे थोड़ा बस वहाँ पे सही है प्लीज थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर मैम सिद्धार्थ सर थोड़ा आगे थोड़ा 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 आगे सिद्धार्थ सर चल रहने दे फोटो हुआ है कैसे हो भाई हुआ ना क्या अरे पीछे रे जूम है हुआ था क्या कोविड नहीं 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 सर सबकी हालत होगी भाई आपका कैमरा पीछे रहा थोड़ा भाई कैमरा आ रहा है कोई नहीं आपको नहीं भाई बिग बॉस पे क्या कहेंगे आज वीकेंड का वार भी है अरे बिग बॉस देख के मेरे दिमाग पे असर होता है मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ अभी उमर भाई को भी बहुत गलत चीज़ों में बाहर कर दिया तो मैं उमर को जानता नहीं हूँ कभी लेकिन लड़का अच्छा लगता है मेरे अभी सब लोग बोल रहे हैं अनफेयर एविक्शन है अनफेयर एविक्शन है तो अनफेयर ही रहेगा लेकिन चल भाई थोड़ा मास्क कर दो ना मास्क ठीक है चल
मैम आ गया थोड़ा सा यहाँ पे करिश्मा जी थोड़ा सा आगे आएंगे थोड़ा सा थैंक यू मैम। So मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा जाता है और मुझे थोड़ा नेल्स और लैशेस का शौक है तो मैं हमेशा आई मेक श्योर कि मैं यहीं आऊँ इवन तो मैं बहुत दूर रहती हूँ लेकिन यहाँ ही आना पड़ता है बिकॉज ये मेरी फेवरेट जगह है नेल आर्ट स्टूडियो। ओके सो इज दिस अ सीक्रेट बिहाइंड योर ब्यूटी? वेल देयर इज नो सीक्रेट, अभी भी आप देख सकते हैं नो मेकअप। एक्चुअली नो मेकअप में भी लिपस्टिक है बट दैट्स ओके, इतना तो चलता है। Okay, so talking about your show, show is doing really well. Your role is also doing really well. So what do you want to say about your role and किस तरह से किरदार जा रहा है, काफी अच्छा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, एक सेकंड यही पॉज करना बना ना। हाँ जी, सो मेरा जो शो है वो बहुत अच्छा जा रहा है एंड ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से ही है। सो आई रियली वॉन्ट एंड आई होप आई विश आप लोग हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए हमेशा और भाग्य लक्ष्मी को सपोर्ट करिए। ओके सो हियर इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस, सो व्हाट डू यू वांट टू से टू हर अबाउट दिस? सो दीदी मेरे लिए एक्चुअली एक दीदी की तरह ही है, जैसे मैं दीदी ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, आई मीन इट बिकॉज ये मेरे लिए मेरी मेंटोर है। मैं कुछ भी खुशियाँ होती है इवन तो मैं सिर्फ शेयर करने यहाँ आती हूँ कि दीदी देखो ऐसा हो गया, आई ऑलवेज मेक श्योर मैं इनको सब बताती हूँ। Would you like to say something? कुछ मेरा भी तारीफ कर दो। She is a favorite, especially Mary. She is brilliant, actually. As a person, as a my choti sister, she is very good. बिग बॉस तो मैं एक्चुअली फॉलो करती हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस खुद में बहुत बड़ा कंटेंट है एंड मुझे कुछ नहीं देखना होता है, मैं सिर्फ बिग बॉस लगा के देखती हूँ बिकॉज इट्स सो मच फन। सबके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, देयर सो मेनी प्लॉट एंड प्लानिंग्स एंड ऑल थिंग्स गोइंग ऑन। ओके सो हाल ही में उमर रियाज को इविक्ट किया तो उसके बारे में बहुत अच्छा किया बिकॉज आई पर्सनली फील के वायलेंस किसी भी तरीके का हो वो अलाउड नहीं होना चाहिए और ये पहली बार नहीं हो रहा है। एक्चुअली इस सीजन में बहुत वायलेंस हुआ है एंड आई एम रियली सरप्राइज कि इससे पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया बट आई एम ग्लैड कि अभी लिया। So do you think it was injustice for Umar Riaz or? No, it wasn't. आपने जो it's tit for tat ना, आप जो दोगे वही तो मिलेगा वापस। So always make sure कि आप वही करो जो आप खुद ले सकें। क्योंकि उनके इवेक्ट होने के बाद 17 million ट्वीट्स आए जिसमें लिखा था कि उमर रियाज के साथ इनजस्टिस हुआ, तो उसमें क्या कहना चाहोगे आप? आई डोंट नो, देखो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना ओपिनियन है, आपका आई एम श्योर अपना ओपिनियन होगा, दीदी का अपना होगा, मेरा अलग होगा। मेरे अकॉर्डिंग ठीक हुआ, इट्स लाइक आप जो करते हो वो यहीं पे ही क्लियर करते हो ना। ओके सो लास्टली आप टॉप फोर में किसको देखना चाहते हो और विनर किसको देखना चाहते हो? ओके सो मेरे टॉप फोर होंगे प्रतीक, निशांत एंड
एंड शमिता एंड राखी एंड आई वांट के प्रतीक जीते क्योंकि वो बहुत स्वीट है। ओके सो आपके शो काफी अच्छा चल रहा है तो उसमें आने वाले समय में क्या ट्विस्ट होने वाला है आपके रोल के बारे में कुछ? सो मलिष्का तो आप जानती हैं काफी जिद्दी है और उसे जो चाहिए होता है शी मेक श्योर कि वो उसको मिले एंड आगे भी वो यही करती रहेगी। उसको अपना ऋषि चाहिए, वो ऋषि उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आपको शो देख के पता चलेगा। थैंक यू सो मच मैम। मलाइका जी वेट थोड़ा ना। वेट ना मैम वेट ना सर सर एक मम्मी के साथ दीजिए ना। रुको ना रुको ना भाई रुको ना एक वेट वेट मलाइका जी आए ना सर के साथ। मलाइका जी एक साथ में दीजिए ना फोटो। मलाइका जी एक सर के साथ साथ में दीजिए ना। वेट वेट हाँ लुक योर लेफ्ट मास निकल गया। मलाइका मैम वेट वेट हाँ मलाइका मैम मलाइका जी एक बार पीछे बोटा कुछ विचार विचार फटाफट। अरे
बेटा नहीं लगेगा गलत होगा। ठीक है बॉयज, थैंक यू। प्रभात यहाँ पर आ गया ना, प्रभात है ना, ये प्रभात थोड़ा सा पीछे पीछे चले जाइए, राइट में देखिए, वाइड वाइड में करते हैं सेंटर 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 हैप्पी संक्रांति हैप्पी ओमिक्रॉन सेंटर यहाँ पर एकदम परफेक्ट। रुको ना प्रभात भाई यार, यहाँ पर अजय हाँ आ जाइए सेंटर रुका। पूजा जी आप भी ना, अरे क्या कर रहे हैं यार, आजा प्रभात आगे मत जाओ यार, विशाल हर साल दूसरा कोई नया सोचते हैं, पर इस साल ये प्रे कर रहे हैं एक्चुअली ये ओमिक्रॉन और ये कोविड जल्दी से खत्म हो जाए, एवरीबॉडी कैन गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। बट इस साल मैंने सोचा है कि आई विल गेट बैक टू वर्क वापस से, सो ये जस्ट स्टार्टिंग टू वर्क नाउ। And we are blessed with a baby also. Yes. How's the feeling right now? I mean, amazing. क्योंकि ये हमारा दूसरा साल था जो हमने उसके साथ शुरू किया New Year, and साल बर साल वो बड़ा हो रहा है तो उसे भी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी है, तो और ज़्यादा enjoy कर रहे हैं उसके साथ, and obviously it's the best feeling to be a father. Being a father, of course, being a father is a great responsibility. और जब बच्चा हो जाता है तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, और दो साल कैसे बीत गए पता नहीं, दो साल हमारे कोविड और ओमिक्रॉन के साथ में बीते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चा भी है साथ में तो वो भी हमारा एक कोविड और ओमिक्रॉन से कम नहीं है, बहुत मस्ती करता है, बस उसको बाहर निकलना है, हमेशा बाहर ऐसे ऐसे पॉइंट करता रहता है, तो हम बोलते हैं बेटा प्लीज़ ज़रा कंट्रोल करो, जब तक ये ख़त्म नहीं होती है, जब तक ये वैनिश नहीं होती है तो घर में बैठो उसके बाद। और हम भी इनफैक्ट न्यू ईयर का पहला हमारा पहली बार बाहर निकले, बाहर निकले और वो भी यहाँ स्टारबक्स हमने सुना था, हम लोग जो आ जाते हैं यहाँ पे। ओके सो गोवा ब्लॉग इज गेटिंग वेरी वायरल, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द लव? आई थिंक आज अभी जो एडिट ही कर रहे थे हम आज सेकंड एपिसोड, बिकॉज़ मुझे आपके फोन्स और मैसेजेस आते कि सेकंड एपिसोड कब आएगा, सो आई थिंक आज रात को या कल तक विल हैव द सेकंड एपिसोड। ऑफ कोर्स वी आर वेरी हैप्पी कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, राइट, और स्पेशली वो गोवा ब्लॉग के बाद अरे जहाँ जाओ बिग बॉस, हाँ बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ पर ऑन एंड ऑफ देखती रहती हूँ। तो आपके कोई दोस्त कोई अंदर है? हाँ है ना, और दोनों में दोस्ती हो रही है करण और तेजस्वी। लास्टली ये जानना चाहूँगा मैम कि डिफिकल्ट टाइम तो सबके चल रहा है, खासकर आर्टिस्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, अच्छे दिन कब तक आने की उम्मीद आपको लग रही है? यार उम्मीद पे ही तो दुनिया क्या नहीं है, जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं उसके दिन अच्छे ही चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमारी भी कुछ नहीं किसी का कुछ कर ला रही है, जो काम कर रहा है वो अभी भी काम कर रहा है और जो काम नहीं कर रहा है वो अभी काम नहीं कर रहा है, सो बेसिकली
आई थिंक हाँ जिनको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है वो हम यही कर सकते हैं, हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंटली वी हैव टू जस्ट वेट और बस पे कर सकते हैं कि जल्दी से ओमिक्रॉन खत्म हो ये साल में सब और सब सब लोग काम करें आप लोगों की तरह। सो हाल ही में बहुत दो नई मूवी रिलीज हुई, पुष्पा और 83, तो कैसी लगी दोनों मूवी आपको, आपने देखी दोनों? पुष्पा अभी तक नहीं देखी और हम लोग यही सोच रहे थे कि देखना है, बस डर लगता है कभी कभी थिएटर में जाने के लिए। ओटीटी पे आ गई है? नहीं, मुझे थिएटर में ही देखना है अल्लू अर्जुन को, और मैंने यही बोला कि ओटीटी पे आई, मुझे नहीं देखना है, मुझे थिएटर में, तो अभी तक नहीं गई है थिएटर से। व्हाट अबाउट 83? वी लाइक्ड इट, वी रियली लव्ड इट। कोई आपके दोस्त थे अपार्ट फ्रॉम रणवीर? देयर वर 10 कैरेक्टर्स इन दैट। साहिल खट्टर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वाज प्लेइंग इन माइन, या साथ में साथ में मम्मी मास थोड़ा सा आपकी कार देख गए, कार देख के आए हो? हाँ। फिर क्या फायदा हम लोगों को देख के आए? नहीं अभी कार एक मिनट रुके रुके जा रही है, आ रही है, रुके 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 रुके। मैम आ जाओ ना सर, आ जाइए आप भी आ जाइए। मैम आप तो रुक गए थोड़ा, मैम थोड़ा सॉन्ग के बारे में तो बता दीजिए, आपका सॉन्ग हिट हो गया मुसू मुसू। थैंक यू सो मच, आप लोग सब इतना प्यार दे रहे हैं सॉन्ग को, सो यस, एंड बहुत सारे और गाने आ रहे हैं। कुछ तो बता दीजिए लाइनअप में क्या है अभी आपके? लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स आर कमिंग, यू हियर, लाइगर इज कमिंग। ए विक्रम, रिजा जी, भाभी जी रुकिए, भाभी जी वो नहीं है, एक रुको रुको नहीं रुको ना भाभी जी रुकिए, आपके लिए भाभी जी थोड़ा ही एक मिनट का फोटो क्लिक कर लीजिए ना, यहां पर मैं मास्क नहीं उतारा, यहां पर बहुत फॉलो कर रहे हो कि नहीं? नहीं टाइम ही नहीं मिलता दीदा जी, थोड़ा सा हम लोग दूर खड़े आपसे, बस पहले आप पहनो, हाँ मैं पहन लेता हूँ, आप बोल दिए यहाँ पर अभी तो मिली थी रिसेंटली। भाभी यहाँ पर, भाभी हाँ जी, इतना जल्दी हो गया? अरे ना बैठते तो आराम से खींचा। उम्र के साथ हुआ, क्या बोलना चाहोगे उस पर? बड़े अच्छे लगते थे वो, उनका he was one of my favorite contestants, so क्या आपको लगता है राहुल सर ने भी बोला इनजस्टिस था, बहुत सारी बातें, आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है? सी मेरे को अच्छे लगते थे, मैं चाहती थी वो फिनाले में जाए, सो नहीं गए तो ऑफ कोर्स बुरा तो लगा। विनर बोल विनर किसको देखते हो बिग बॉस 15 में? आई लाइक शमिता शेट्टी। Okay. पुष्पा देखी आपने? पुष्पा नहीं, मैंने नहीं देखी। 83 आने वाले दिनों में क्या देखने मिलेगा, बड़े अच्छे लगते हैं हमें, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि डेली सोप है, हमें भी काफी अच्छा चल रहा है शो, लास्ट में पता चलता है, सेकंड सीजन है, काफी अच्छा चल रहा है। थैंक यू आई होप लोग देखते रहे। चलिए बाय। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार यार, आज तक मैं लंबे खड़े आपसे, एकदम लंबे। नहीं नहीं कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया, ध्यान रखो, सबकी तबीयत खराब हो रही है यार। पब्लिक पहचानने की यहाँ पर चांद दिख गया फाइनली। थैंक यू, बिग बॉस देखा कि नहीं कल का? अरे बहुत देखा, बिग बॉस तो आग ही लगा, आग ही लगे बिग बॉस देखा मैंने, और मुझे समझ नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है बिग बॉस में आजकल। आज का एकदम अच्छा एपिसोड होने वाला है, आज के एपिसोड में बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे पता चला बहुत क्लास लगी है सब लोग, सलमान खान आज सलमान भाई क्लास लगाने वाले तेजस्वी की, मुझे वही लगा, और मुझे लग रहा है ये जो पेट्रोल बन के घूम रही है राखी जी, पता नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा उनका, बट आई थिंक उनके लिए एक अलग अवार्ड होना चाहिए जो रख देना चाहिए।
राखी को भी डांट पड़ी है, राखी जी को भी डांट पड़ी है आज। आज मैं सुना तेजा को बहुत डांट पिटी है, तो पता नहीं अभी क्या होने वाला है, बट लेट्स सी। आई थिंक थोड़ा डांट खाने वाले काम तो किए थे उन्होंने। अब आपका फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट को तो निकाल दिया है यार, मुझे उमर बहुत पसंद है और मुझे शमिता, मुझे लगता है जीतना ही चाहिए शो, मेरी फेवरेट है और वो है शो में, तो आई जस्ट होप वो रहे और वो जीते। अब उनके साथ कुछ ऐसा ना हो। और उमर भाई और अपना रश्मि जी की केमिस्ट्री कैसी थी? मुझे उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, पर ज़्यादा देखने को मिली नहीं यार उनकी केमिस्ट्री को। जब तक हम देखते तब तक तो वो बाहर आ गए थे, आए वो बाहर कुछ देखने को मिले उन लोग का। रुक जाए जरा फोटो के लिए, यहाँ पर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मास्क प्लीज फोटो में, फोटो यहाँ पर देखिए मैम, खाली ये वाला देखिए जिसमें लाइट है, यहाँ पर चलो बस मिलते रहिए। थैंक यू आप लोग ख्याल रखो अपना। बाय गाइस, ध्यान रखो, बॉलीवुड स्पाइसी। तू तो अंदर ही घुस जाता है वो भाई। भाई का भी एक नंबर ही है। भाई घर जा रहा है। अच्छा पैरेट आपका पैर, रोहित तेरा पैर जाएंगे गाड़ी के नीचे, देख के पासिन पैर जान कुमार सानू के साथ कुछ नया गाना?
जान के साथ तो कोई गाना तो नहीं आ रहा है, लेकिन वी आर फ्रेंड्स, ऑन ऑफ बातें होती रहती है हमारी, हो सकता है हम कुछ प्लान कर लें साथ में। मैं जान हम तो बहुत पहले के दोस्त हैं और हो सकता है हम कुछ प्लान कर लें। यू आर गिविंग मी वेरी गुड आइडियाज। यस, थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है मैम। मैम मैम एक मिनट, एक मिनट रुक जी। मास्क किधर है? लंच कोविड गया? बहुत वाहियात दिख रही हो यार, छोड़। चलो बाय बाय बाय, कल अच्छी वाली लेंगे ठीक है। हो गया। उठ गया वो उधर, ये कर रहा है। हटा गई। एक सेकंड। अरे मेरे ट्रीटमेंट हुआ है, मैं नहीं शक्ल दिखा सकती। अच्छा कब से वेट कर रहे हो? 4-5 घंटा हो गया। कोविड हुआ था ना तो इसकी वजह से गया। इम्यूनिटी पूरी लो हो गई है सर, तो फिर भी ठीक है, चमक रहे हो रहे हो। चलो शर्मा जाते हैं ना, तारीफ कर देती हूँ। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। मैम बिग बॉस देखते हो कि नहीं आप? हाँ, छोटे छोटे क्लिप्स देख लेते हूँ। किसे सपोर्ट कर रहे हो? और उमर भाई के साथ जो हुआ आपको कितना? आई डिड नॉट लाइक इट। आई थिंक उमर डिजर्विंग था वहाँ पे रहने के लिए, अभी और आगे जाने। आई थिंक फिनाले में तो मैं देख रही थी कि उमर को फिनाले में होना चाहिए, बहुत अच्छे से खेल रहा था, हर किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम भी बन रहा था। आप भी होना चाहिए था, तो मैं बोलती हूँ। तो आई थिंक दैट वॉज नॉट अ गुड डिसीजन, आई थिंक फॉर ऑडियंस ऑल्सो एंड फॉर बिग बॉस ऑल्सो, उमर को बाहर कर देना। और बाकी ठीक है, अभी फ़िलहाल जो घर में उनमें से मैं तेजस्वी और करण को शुरू से ही सब पसंद करती हूँ। आज तेजस्वी ने पे सलमान जी भी भड़क रहे हैं, तो सलमान सर का हक है, वो भड़कते रहते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, उनको भड़कने दे। लेकिन मेरे पे भी भड़कते थे। और क्या है ना, उनको जिनसे प्यार होता है ना ज़्यादा, उनके ऊपर भड़कते हैं। और आपका अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट वगैरह? यार मैंने ना एक कसम खा ली है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करूँगी अपने, जब आएगा ना बस तब दिखना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है मैम, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय 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 बाय। चलो जान दो भाई, अबे उल्टा देगी गाड़ी। मैं तो मिला दो जन को ना। जैकी सर, यादव जी
रकुल जी, रकुल जी, रकुल जी, रकुल मैम, बस 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 हो गए होंगे, हाँ, बैठो बैठो, क्या, बैठो बैठो, क्या, अरे हाथ, 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 अरे हाथ ना, अभिषेक, हाथ, अभिषेक, दीदी, दीदी आप बाद में बोलने गए थे ना, अरे बाद में रुको ना, ये मानो पीछे लोग के आए हो, अभिषेक पीछे आए अभिषेक 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 दादाजी दीदी आपने बाद में बोला था ना दीदी।